आप देख सकते हैं ये पीछे जो काफिला नजर आ रहा है इन भाइयों का, ये वो बली सेना है जिन्होंने हमेशा समाज हित में, बेटियों के हित में, महिलाओं के हित में हमेशा आवाज उठाई। हमारे साथ जसविंदर पहलवान जी मौजूद हैं। अभी हाल ही में आपने किस्सा भी देखा था, एक इंसाफ की गुहार को लेकर जब ये लोग पहुंचे थे तो वहां इन्हें पुलिस वालों की तरफ से लाठियां और डंडे भी खाने पड़े थे, क्योंकि इनकी सच्चाई को, इनकी आवाज को दबाने की कोशिश किया गया था। जसविंदर जी, एक बेटी के साथ जो ये निर्मम हत्या का मामला जो यहाँ हुआ है, उसको एक नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी घटना हो, हाथरस की घटना हो या निर्भया केस हो या दिल्ली कैंट का केस हो, पुलिस के द्वारा उसको नया मोड़ देने का प्रयास किया जाता है। और ये दिल्ली और यूपी की मैंने चर्चा की, हरियाणा में भी यही हाल है। कहीं पर भी आप इस तरह के मामलों में जाओगे जो इतना निंदनीय है और इतना खतरनाक कोई भी क्राइम है, चाहे वो जातियों के आधार पे हो या बलात्कार, एट्रोसिटी, बहन बेटियों के साथ हो, तो उसमें मोड़ देने का पूरा प्रयास किया जाता है कि पुलिस अपने आप को सेफ करके चलने की कोशिश करती है कि हम कैसे सेफ हो। सर, जिस तरह से निधि एक जो बयानबाजी कर रही है, बयान जो दे रही है कि अंजलि नशे में थी, अंजलि के वो जानकार थे जिन्होंने अंजलि को मारा, अंजलि का बॉयफ्रेंड था, मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मेडिकल की रिपोर्ट अगर उस पर बात की जाए तो अंजलि के शरीर में किसी तरह का कोई अल्कोहल था ही नहीं। देखिए, निधि जो सच्चाई है वो तो बोल नहीं रही, और इनकी पूरी एक टीम होती है प्रशासन की जो कहानियां क्रिएट करती है, और जो कहानियां उनके हिसाब से उनको बचाएंगी वो उस हिसाब की कहानियां बनाती है। तो निधि भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा बन चुकी हैं और वही बातें बोल रही है जो प्रशासन के लिए सेफ है, जो पुलिस वालों को और अधिकारियों को बचा के चलेंगे, वो उनको बचाने की कोशिश कर रही है और वो एक कह दे तो सरकारी गवाह के तौर पर काम कर रही है। सर, क्या कह सकते हैं, क्या निधि को खरीद लिया गया है या फिर प्रशासन का दबाव है कि वह अपने बयान जो है वो अंजलि के खिलाफ दे? देखिए, खरीद लिया गया है या दबाव है वो निधि बता सकती है भाई क्या हो रहा है। जिस हिसाब से वो पूरे माहौल को बदलने की कोशिश कर रही है अपनी बातचीत से और सबूतों के साथ भी कहीं ना कहीं छेड़खानी की जा रही है, तो अब इसमें या तो सरकार का दबाव कह सकते हैं, क्योंकि कई पार्टियां हैं जिनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, और फिर ये प्रशासन भी घेरे में आ रहा है, कट घेरे में, तो अपने आप को सेव करके चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इनकी जुगलबंदी हो चुकी है सरकार की और प्रशासन की, और इस जुगलबंदी के चक्कर में परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। सर, बलि सेना एक ऐसा दल है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि समाज के हित में, बेटियों के, बहनों के हित में काम करता है। अगर बात करें सरकार की, प्रशासन की, तो आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी यहाँ पहुंचे परिवार से मिलने, लेकिन भाजपा का कोई नेता अभी तक यहाँ नजर नहीं आया, क्या ये मनोज मित्तल के इन्वॉल्व होने का कारण है? देखिए, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ और ना ही मैं खिलाफ हूँ, और जो जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, वो कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं किसी का भी, ना तो प्रशासन ना सरकार, जब तक दबाव महसूस नहीं होगा तो वो ऐसे ही हल्के में चलेंगे। कोई कोई आसपास का नेता रहा है जिसको परिवार के साथ संवेदनशील है, दुख की घड़ी में उनको संतावना देने के लिए आ रहा है, लेकिन जिस तरह बीजेपी का भी एक नेता बताया जा रहा है उसमें, और आम आदमी पार्टी के यहाँ पे सभी हैं, पार्षद हैं, एमएलए है और डिप्टी स्पीकर भी है, तो दोनों ही पार्टियां इसमें मैं कहूंगा कि शामिल हैं। अगर वो परिवार के साथ आकर इस टाइम पे खड़ी हो, इसको इंसाफ मिलेगा परिवार को, और जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर जाएंगे और मामला जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाएगा, और जल्दी जो अंजलि है उसको न्याय मिलने का काम होगा। दोनों की तरफ से ढिलाई हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी और आम आदमी की तरफ से। जो सिसोदिया की बात हुई, सिसोदिया आया और परिवार से बातचीत की कि अब ये अपने आप को सेव करने के चक्कर में ही आ रहे हैं कि हमारी पार्टी का नाम बदनाम ना हो, हमारे एमएलए हैं, हमारे यहाँ पे नेता हैं, उनको बचाने के चक्कर में आ रहे हैं, ना कि परिवार को संतावना देने के लिए, परिवार की हेल्प करने के लिए। अभी आश्वासन दे के गए हैं, कोई ऐसी ठोस कार्यवाही उन्होंने नहीं की है या परिवार की आर्थिक सहयोग नहीं किया है कि परिवार अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में जो चिंता है उनके मन में लगातार घेरती जा रही है, उनको प्रेशर बन रहा है
वो चिंता जो उनकी खत्म हो सके, ऐसा कोई काम अभी तक ना तो मनीष सिसोदिया ने किया है ना बीजेपी ने किया है। जसविंदर जी, जब आप अपनी गाड़ी से कहीं जाते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे हल्का सा कोई पत्थर या कोई छोटा सा कोई जानवर या फिर कुछ भी अगर गाड़ी के नीचे आता है तो क्या आपको पता लगता है? देखिए, अगर पन्नी भी नीचे आती है तो पन्नी भी आवाज करती है। तो सर, अंजलि गाड़ी के नीचे इतने किलोमीटर तक घसीटते रहे वो लोग, क्या उनको जरा भी अंदेशा नहीं था कि उनकी गाड़ी के नीचे कुछ है? देख, गाड़ी में ऐसी कोई जगह नहीं है कि एक लड़की थी, वो 50-55 किलो के आसपास वजन होगा उस बहन का, तो इतना वजन था और कोई ऐसी कुंडी तो लगी नहीं थी कि वो उसके अंदर फंस जाए। ये वो एक या तो हत्या उन्होंने पहले की है या फिर उसको खिड़की में से ही घसीटते हुए जानबूझकर लेके गए हैं। ये किया हुआ कार्य है जो उन्होंने किया, ये दुर्घटना नहीं है। जो पुलिस इसको दुर्घटना का रूप दे रही है, ये सोची समझी साजिश लग रही है। जिस हिसाब से सबूतों के साथ भी छेड़खानी की जा रही है, निधि के बयान जो है उन वो भी उलझते जा रहे हैं, होटल वालों ने भी बताया कि इनकी पहले भी बहस हुई है, तो ये सारे जो अगर इनको देखें तो एक पजल बनता जा रहा है, अनसुलझी पहेली जिसे कहेंगे। इसको सुलझाना पड़ेगा और इसको पुलिस ही सुलझा पाएगी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, ये सब मिलकर ही इस मामले को सुलझा सकती है। वरना जैसे कि निधि के परिवार वालों ने बयान दिया, उसकी उनकी मां ने बयान दिया कि उनको 1 से 1.5 साल से घर से निकाला जा चुका था क्योंकि उनकी हरकतें उन्हें पसंद नहीं थी, उनका घूमना फिरना पसंद नहीं था, लेकिन वही दूसरा पहलू अगर देखें तो वो उनका अंजलि पर ये इल्जाम लगाती नजर आ रही है। देखिए, एक अच्छे चरित्र की, मैं किसी बहन के चरित्र पे वो नहीं कर रहा, एक अच्छे व्यक्तित्व की अगर बात करें तो परिवार से और आसपास से ही पता चलता है। जब आसपास का जो पड़ोस है वो इस तरह की बात कर रहा है और परिवार के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उससे अपने आप बयान हो जाता है। जिसके साथ परिवार ही नहीं है तो किस तरह का होगा वो। और फिर एक लड़की जो परिवार को संभाल कर चल रही थी, परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, अपनी मम्मी का ध्यान रख रही थी, ये तो एक जमीन आसमान जैसी बात होगी कि एक जिसके परिवार उसके साथ नहीं है उस लड़की की बात को ये पुलिस वाले मान रहे हैं, सरकार मान रही है, और एक जो लड़की परिवार के लिए ही जी रही थी, परिवार के लिए मेहनत कर रही थी, उसके साथ ये अन्याय हो रहा है और वो अपराधियों के पक्ष में प्रशासन और सरकार खड़ी नजर आ रही है। सर, बलि सेना कब से यहाँ इस बेटी के न्याय के लिए मौजूद है? हम कल आए थे पहली बारी, जब और भी घटनाएं हरियाणा में हो रही हैं उनमें लगे हुए थे हम, तो कल हम आए और फिर कल के बाद हम कंटिन्यू टच में हैं। प्रेम भाई जो लड़की के मामा हैं अंजलि के, उनसे कंटिन्यू हमारी बात हो रही है। आज भी हमें दिन में आना था जो मार्च हुआ था, लेकिन एक और केस हो गया था उधर थाने में, अचानक हमें जाना पड़ा, वरना उसमें भी हम शामिल होते, अभी भी हैं, कल भी आएंगे, और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता हम यही हैं। और अगर आवश्यकता हुई तो दिल्ली को जाम करने का काम भी बलि सेना करेगी। सर, बलि सेना ने अभी तक जहां भी कदम रखा, जिस भी बेटी के इंसाफ के लिए न्याय दिलाया, ये पूरा देश जानता है, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से अंजलि के केस को उलझाया जा रहा है, अंजलि को हर तरीके से गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है खुद उसकी सहेली के निधि के द्वारा, आपको क्या लगता है वाकई में आप लोग मिलकर अंजलि को इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, एक हमें तो परिवार की एक जो कहते हैं कि आवाज और हाँ की आवश्यकता है, अगर परिवार कहेगा तो फिर हम दिखाते नजारा इस प्रशासन को भी और सरकार को भी किस तरह से लापरवाही करते हैं, क्योंकि पहले वो देख चुका है कि हाँ हमने इस समाज के लिए अपने बेटियों के न्याय और सम्मान के लिए लाठियां भी खाई हैं और जेलों में भी गए हैं। सुना आपने, ये है जसविंदर पहलवान जी, जिन्होंने बेटी के लिए, बेटी के न्याय के लिए अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ न्याय की अपील की है। अभी प्यार से बात कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, न्यायिक प्रशासन से अपील कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से अपील कर रहे हैं, लेकिन अगर बेटी को न्याय नहीं मिला, अगर अंजलि को न्याय नहीं मिला, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक भी एक्सीडेंट केस नजर नहीं आ रहा किसी को भी, अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो बलि सेना चैलेंज कर चुकी है कि ये पूरी दिल्ली को जाम करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, और जब तक अंजलि को न्याय नहीं मिलेगा, परिवार संतुष्ट नहीं होगा, तब तक
ये लड़ाई जारी रहेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी बली सेना की टीम है। ये वो बली सेना है जिनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको फोन कर ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पर किसी बेटी के साथ या किसी बहन के साथ कोई अत्याचार हुआ है। इनको खुद ब खुद जैसे ही पता चलता है, ये तुरंत वहां पहुंचते हैं और अपनी तरह से पूरा प्रयास करते हैं कि उन बेटियों को, उन बहनों को, उन पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये बली सेना यहां भी वो कमाल दिखा पाएगी, क्या बेटी को न्याय दिला पाएगी जिस तरह से पहले बली सेना अपना महत्वपूर्ण जो उद्देश्य लेकर चल रही थी वो करती रही है। तो हम जसविंदर पहलवान जी से दोबारा मिलेंगे, इसी पहलू पर दोबारा बात होगी, इसी न्याय पर दोबारा बात होगी कि वो अपनी तरफ से कितना न्याय दिलाने में सफल रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज़।